न्यू मेथड फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हम मेथड करने वाले हैं वो है लीफो मेथड। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो रेट हमें सबसे लास्ट में रिसीव हुआ है उस रेट को सबसे पहले यूज़ करेंगे गुड्स को इशू करने के लिए, यूज़ करने के लिए। कैसे इसको यूज़ करते हैं समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ डेटा में डाल देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ से हमारी एक कंपनी है जिसके अंदर अप्रैल की फर्स्ट डेट पे कुछ हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो शुरुआत इसकी किससे हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत कर देते हैं। मान के चलते हैं से हमारे पास किसी प्रोडक्ट के 300 पीसेज अवेलेबल हैं और रेट 11 रुपये का हमें वो मिला था। तो क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस है, सीधा सीधा इसे कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। इसके बाद इस महीने के कुछ न्यू ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं, उनको लिखना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ से अप्रैल की फोर्थ डेट को हमने परचेज कर लिया नया सामान। जो परचेज किए गए हैं वो टोटल 500 पीसेस परचेज किए गए हैं। अगर कोई बिल नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो बिल नंबर डाल देंगे, नहीं गिवन है तो छोड़ देंगे। जब भी किसी भी वजह से सामान आपके पास बढ़ेगा तो आप उसे कौन से कॉलम में डालेंगे, रिसीट के कॉलम में डालेंगे। किसी भी वजह से सामान आपका घटेगा तो कौन से कॉलम में डालेंगे, इशूड के कॉलम में डालेंगे, और जो बच जाएगा उसे बैलेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज किया, सिर्फ 500 पीसेस परचेज किए, रेट इस समय 10 रुपये का चल रहा था। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹5000। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना बैलेंस जो है उसको अपडेट करेंगे। अगर बैलेंस अपडेट करें तो सबसे पहले आपको ओल्ड जो स्टॉक है उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ओल्ड स्टॉक हमारा कितना है, 300 पीसेज है 11 रुपए वाले, जो कि कितने के होते हैं, 3300 के। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो नया सामान आया, और नया सामान हमारे पास कितना आया है, 500 पीसेज आए हैं, 10 रुपए के हिसाब से कितने के होते हैं, 5000 रुपए के। क्लियर है बात समझ में आ गई है। पहले फीफो मेथड में भी हमने ऐसे ही किया था, ओल्ड और न्यू दोनों को मेंटेन किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड स्टॉक को लिखेंगे और उसके बाद नया स्टॉक उसके भी नीचे ऐड ऑन कर देंगे। चलो एक और परचेज करते हैं। अप्रैल की 10th डेट को हमने फिर से परचेज किया। इस बार क्या परचेज किया, कोई बिल नंबर है तो बिल नंबर डाल देंगे। कुछ यूनिट हमने परचेज किया और इस बार जो यूनिट हमने परचेज किया से वो 400 यूनिट्स परचेज किया। रेट जो इस समय चल रहा था वो चल रहा था 12 रुपये का, कम ज़्यादा होते रहते हैं, आपको होता है मार्केट कई बार प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएट करते रहती है जिसके प्राइसेस। 4800 इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद हमें अपना क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इसमें निकालना है। कैसे निकलेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले जितने भी हमारे पास ओल्ड स्टॉक है उनको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ओल्ड स्टॉक की अगर वैल्यू इसमें डाली जाए तो 300 एंड 500 पीसेस 11 रुपए वाले और 10 रुपए वाले तो ओल्ड स्टॉक के हैं, और नए हमने कितने खरीदे हैं, 400 पीसेस खरीदे हैं जो कि हैं 12 रुपीज़ वाले। तो इतने टाइप का हमारे पास स्टॉक है, जितनी वैरायटी है उतने ही आपको यहाँ पे डिटेल मेंटेन करने पड़ेंगे। ये फिगर है 3300, ये फिगर है 5000, और ये फिगर हो रही है 4800। इस समय आपके पास तीन वैरायटी का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। चलिए अब इशू करेंगे, जब इशू करेंगे तभी मेन आपको पता चलेगा कि लीफो मेथड है क्या। अप्रैल की 15 डेट को हम इशू करते हैं कुछ सामान। अगर इशू करते हैं तो यहाँ पे इशू लिखेंगे, कोई रिक्वेजिशन नंबर दिया हुआ है, रिक्वेस्ट नंबर दिया है क्वेश्चन में तो वो डाल देंगे, नहीं दिया है तो आप इग्नोर कर देना इसे। और अब हम इसके अंदर इशू की एंट्री डालते हैं। मैं मान के चलता हूँ से हमें रिक्वेस्ट की गई कि भाई 500 पीसेस की ज़रूरत है, हमें 500 पीस दे दो, कोई काम आ गया, कोई हमें जॉब परफॉर्म करना है और उसके लिए 500 पीसेस की रिक्वायरमेंट है। देखे तो 500 पीसेस हमारे पास एक ही साथ दिए जा सकते हैं, सेंटर में जो वैल्यू है वो 500 पीसेस की है, बट हम लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। लीफो मेथड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे नया वाला सामान था, जो सबसे नए रेट पे सामान आया था उसे हम इशू सबसे पहले करेंगे। और अगर इस हिसाब से चले तो 500 पीसेस सीधे सीधे ये नहीं मिलेंगे, सबसे पहले उसे 400 पीसेस हम इशू करेंगे जो कि कितने के होंगे, 10 रुपये वाले, लेकिन उसकी डिमांड हमारे पास, सॉरी 10 नहीं बल्कि 12 रुपए की। अच्छा, लेकिन उसकी डिमांड हमारी 400 नहीं बल्कि 500 पीसेस की है, इसलिए जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद रिमेनिंग पीसेस यहाँ से इशू करेंगे, और रिमेनिंग पीसेस होंगे इसके अंदर 100 पीसेस 10 रुपीज़ वाले। हो गई उसकी डिमांड पूरी, कितने का हो गया सामान, 4800, और ये हो गया 1000। अब हमें बताना है इसमें कि क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा। सबसे पहले ये जो 300 पीसेज है वो तो अनटच रहे, इसमें तो कुछ भी कमी नहीं हुई है, 3300 के।
ये जो 500 थे उसमें से आपने 100 पीसेस यूज कर लिए, इसलिए इसमें कितना बैलेंस बचा होगा? 400 पीसेस बचे होंगे 10 रुपए वाले, और जो कि कितने के हो जाएंगे? 4000 के हो जाएंगे। और ये लास्ट के जो 400 पीसेस, वो तो आपने पूरे के पूरे इशू कर दिए, तो उसमें कोई भी स्टॉक बैलेंस नहीं बचा होगा। क्लियर है? बस में आ गई। फिफो मेथड में ऐसी क्वांटिटी हम ऊपर से निकाल रहे थे, इसमें लिफो मेथड में क्वांटिटी हम नीचे से निकालना शुरू करेंगे। चलिए और इसमें ऐड ऑन करते हैं। अप्रैल की 20 डेट को हमने फिर से कुछ परचेज किया, और परचेज किया उसका कोई बिल नंबर है तो बिल नंबर डाल देंगे। और इस बार जो हमने परचेज किए से हमने इसमें 500 पीसेस फिर परचेज कर लिए, 500 पीसेस परचेज कर लिए। रेट हमारे पास 11 रुपये का, 11 रुपये का वैसे ऑलरेडी हमारे पास सामान है, लेकिन ये दूसरे टाइम पे आया हुआ 11 रुपये है। 5500 वैल्यू रहती है। क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले ओल्ड स्टॉक को कॉपी करेंगे, जो कि होगा 300 पीसेस 11 रुपीस वाले, 400 पीसेस 10 रुपीस वाले, और उसमें नीचे लगा देंगे इसमें 500 पीसेस फिर से 11 रुपीस वाले। अब 11 रुपीस पे दो बार सामान आया हुआ है, पहले भी है और फिर नया भी है। ये कितना हो जाएगा? 3300, ये हो जाएगा 4000, और ये हो जाएगा 5500। उसके बाद फिर अप्रैल की 25 हमें से फिर से कुछ इशू करने के लिए बोला गया। रिक्विजिशन नंबर कोई दिया है तो नंबर डाल देंगे। और अब हमसे जो डिमांड की जा रही है वो से 600 पीसेस की डिमांड की जा रही है। अगर 600 पीसेस की डिमांड कर देगी तो कौन से 600 पीसेस देंगे? सबसे पहले ये जो नए आए थे 500, उसमें से देंगे पूरे के पूरे 500, जो कि 11 रुपये वाले होंगे। लेकिन 600 पीस मांगे इसलिए 100 पीस और से देने पड़ेंगे, और जो 100 पीस और दिए जाएंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे? 400 थे उसमें से दिए जाएंगे 100 × 10। 5500 का ये हो गया और 1000 का ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बता देते हैं। पहले वाला जो स्टॉक है वो तो अनटच्ड है फिलहाल, 300 पीसेज 11 रुपये वाले। ये जो 400 थे उसमें से आपने 100 पीसेज यूज कर लिए, इसमें से 300 पीसेज बचे होंगे 10 रुपीज वाले, तो 3300 का ये हो गया और 3000 का ये हो गया। क्लियर बात समझ आ रही है? तो लिफो मेथड में लास्ट से सामान निकालना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस बस बार बार चलता रहेगा, जब भी सामान आएगा नीचे लगा दिया जाएगा, और जब इशू करने की बारी आएगी तो सबसे पहले जो सबसे नीचे सामान आपने जो लिखा था उसी को सबसे पहले निकाल के इशू किया जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, महीने भर चलता रहेगा, साल भर चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में हमें इसे फिजिकली इंस्पेक्ट भी कर लेना चाहिए और जांच लेनी चाहिए कि भाई सच में इतने पीसेज हमारे पास है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोरी हो गई हो, स्पॉयलेज हो गई हो, डिस्ट्रॉय हो गए हो, गुम हो गए हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम समय समय पर अपने स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करते रहते हैं, मतलब गिन के देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि इसे अप्रैल की 30 तारीख को जब महीना ख़त्म हुआ तो हमने इसको फिजिकली वेरीफाई किया, और वेरीफाई जब किया तो पता चला कि हमारे 50 पीसेज जो हैं वो शॉर्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, चोरी हो गए, पता नहीं, लेकिन वो शॉर्ट मिले। मतलब होने चाहिए थे कितने पीसेज? 600 पीस होने चाहिए थे, यहाँ पर लास्ट डिटेल के हिसाब से 600 पीस होने चाहिए और निकले सिर्फ 550 पीसेज। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कुछ सामान क्या हो गया है, शॉर्टेज हो गया है। अच्छा, शॉर्टेज के लिए स्पेशल कॉलम नहीं है, बट हमने जो इशू किया, कोई भी वजह है, अगर आपके पास स्टॉक कम हो रहा है तो इशू के कॉलम में ही उसे पुटअप करना है। यहाँ पे आप नरेशन में लिखेंगे क्या वजह थी, इससे पता चलेगा कि क्यों आपने माइनस किया, लेकिन माइनस करने को इशू के कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। कितने पीसेस शॉर्ट मिले? 50 पीसेस शॉर्ट मिले। फ्लो के हिसाब से चले तो 50 पीसेज जो होंगे वो लेटेस्ट लास्ट वाले ही होंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उस हिसाब से 10 रुपये वाले रेट से इनको रिकॉर्ड किया जाएगा और वैल्यू हो जाएगी ₹500। क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा? ये जो 300 पीसेज हैं वो तो अनटच्ड है अभी भी, और ये जो 300 पीसेज बाद में वाले थे उसमें से 250 पीसेज बचे होंगे 10 रुपये वाले। ये फिगर है 3300, और ये फिगर हो जाएगी 2500। लास्ट में आप एक नोट बना के समरी दे देंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे एक्चुअल कितने पीसेज हैं, 550 पीसेज ऑफ रुपीज, टोटल कितनी वैल्यू है, 5800। क्लियर है? इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो और आपको नजर आएगा कि जो सामान शुरू में हमारे पास था वो लास्ट में भी एज इट इज हमारे पास पड़ा हुआ है। लिफो मेथड के अंदर यही होता है कि जो ओल्ड स्टॉक है कई बार वो महीनों महीनों तक हमारे पास जो है वो एज इट इज पड़ा रहता है, क्योंकि नया वाला सामान बिकता रहता है और ओल्ड स्टॉक जो है वो पड़ा रहता है। क्लियर है? कंप्लीट है।